Today we will learn about the English alphabet. Do you know what is English alphabet is? Right, the letters A to Z. Do you remember the letters A, B, C, D, E, F? Yes, so all these letters are a part of English alphabet. So many of you might, you might have heard that A is an alphabet, but let me clear, A is not an alphabet. A or B or C, all these are the part or the letters of the English alphabet. So do you know how many letters are there in English alphabets? Right. There are 26 letters in our English alphabet. If you count from A to Z, you will find that there are 26 letters in the English alphabet. Okay, so today we'll show you the English alphabet and some special letters in them. And we will learn the sounds of all the letters of English alphabet. सभी letters के अपने एक sound होता है, ठीक है? सभी का अपना एक special sound होता है, तो वही sound आज हम सीखेंगे और कुछ special letters और उनके sounds को भी हम आज सीखेंगे, right? तो चलो सीखते हैं. So children, can you see right behind me? Can you see on the board here? Yes, I have written all the letters of the English alphabet in this board, on this board. So shall I read it up for you again, once again? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. So there are, if you count all these letters, you will find that there are 26 letters, okay? In total, 26 letters. So, did you notice something special about this board here? Right? Yes. I have colored few letters in red. मैंने कुछ letters को red में color किया है, ठीक है? मैंने इसके लिए क्या है, बिकॉज दीज लेटर्स आर स्पेशल लेटर्स, राइट? एंड हम आपको बताएंगे कि सभी जो लेटर्स हैं अल्फाबेट के, इन सभी लेटर्स के कुछ स्पेशल साउंड होते हैं. सभी साउंड्स के बारे में आज हम जानेंगे. तो सबसे पहले हम स्पेशल लेटर्स के बारे में सीखते हैं. स्पेशल लेटर्स यानी ए, ई, आई, O, U. So, ये letters क्या है? These letters are called vowels. Do you know what are vowels? So, these are the sound created without obstructing or blocking any other sound. इसका मतलब है, जब भी हम वाउल्स के साउंड को बोलते हैं या वाउल्स के जो साउंड होते हैं, जब वो बोले जाते हैं, तो वो किसी भी अलग साउंड को नहीं रोकते हैं, ठीक है? यानी आप जब बोलेंगे तो उससे जो आपका हवा निकलेगा, वो आपको बाहर निकलना या अंदर जाना, जब भी हम किसी शब्द को बोलते हैं, तो वो उसके सामने कोई रुकावट नहीं आती है, ठीक है? जैसे मैंने अभी बोला A, E, I, O, U. जब भी हम इन
वर्ड्स इन लेटर्स को स्पीक करेंगे, जब भी इन लेटर्स को हम बोलेंगे तब हमारा जो माउथ होगा वो वाइड ओपन होगा, इट विल बी वाइड ओपन एंड रिलैक्स, यानी रिलैक्स होगा, आपको किसी भी तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम उनके साउंड को जानेंगे। तो ए का साउंड है ए, द साउंड ऑफ ए इज ए, ठीक है। आपको मुंह चौड़ा खोलना है, हम ए बोलते हैं लेकिन जो ए का साउंड है वो होगा ए। और नेक्स्ट वाउल है ई, द साउंड ऑफ ई इज ए, साउंड ऑफ ए इज ए, साउंड ऑफ ई इज ए, और साउंड ऑफ आई इज ई, ठीक है। साउंड ऑफ आई इज ई, साउंड ऑफ ओ इज ओ, एंड साउंड ऑफ यू इज आ। ज्यादातर साउंड ऑफ यू आ होता है लेकिन कभी कभी उसका साउंड यू भी होता है या ऊ भी होता है, लेकिन मोस्टली आ होता है आपका साउंड। सो ए, ए, ई, ओ, आ, ए, ए, ई, ओ, आ। तो जब भी हमने इन वाउल्स को बोला तो आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे मुंह से जो हवा का बाहर निकलना या अंदर जाना है वो क्लियरली होता है, कोई भी रुकावट नहीं आती है। लेकिन जब हम दूसरे लेटर्स को बोलेंगे तो इन इंग्लिश अल्फाबेट में इन पांच वाउल्स के अलावा जो बाकी लेटर्स हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट। क्या बोलते हैं उनको? कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो इनके भी अपने साउंड हैं लेकिन हम जब भी कोई भी वर्ड फॉर्म करेंगे तो वो वर्ड कभी भी बिना किसी वावल्स के नहीं होंगे, ठीक है। वो वावल्स के साथ ही बोले जाते हैं, बिना वावल्स के हम उनको नहीं बोल पाते हैं, ठीक है। तो आज हम सभी के साउंड थोड़ा थोड़ा जानेंगे। बी, द साउंड ऑफ बी इज ब, ब, साउंड ऑफ सी इज क, क, साउंड ऑफ डी इज ड, ड, साउंड ऑफ एफ इज फ, फ, एक्चुअली साउंड होता है फ, लेकिन आप बोलने के लिए उसको फ बोलिएगा, ठीक है। साउंड ऑफ जी इज ग, ग, साउंड ऑफ एच इज ह, ह, साउंड ऑफ जे इज ज, ज, साउंड ऑफ के इज क, क, साउंड ऑफ एल इज ल, ल, साउंड ऑफ एम इज म, म, साउंड ऑफ एन इज न, न, साउंड ऑफ पी इज प, प, साउंड ऑफ क्यू इज क्व, क्व। जनरली क जैसा ही साउंड होता है लेकिन हम जब भी क्यू को बोलेंगे तो उसके साथ जनरली यू वावेल लगेगा, तो वो उसका साउंड हमेशा क्व होता है, बट अभी हम क ही बोलेंगे उससे, क या क्व। साउंड ऑफ आर इज र, र, साउंड ऑफ एस इज स, स, या स, स, साउंड ऑफ टी इज ट, ट, बहुत तक ट बोलेंगे, त बोलेंगे, बट इट्स ट, ट, साउंड ऑफ वी इज व, इट्स नॉट भ, इट्स नॉट भी, इट्स व। आपको ये जो अपर, आपको जो लाइन, ये टीथ है, ये इसको इस लोअर लिप्स में आपको टच करना है, वी, वी,
Sound of V is V. V. Sound of W is W. W. इसमें आपको माउथ को वाइड ओपन करना है. W. Sound of X is X. S sound ही होगा ज्यादातर. Sound of Y is Y. Y. Sound of Z is Z. It's not J, it's Z. Z. ठीक है, जब भी Z आए कहीं पे तो आपको बोलना है Z, न कि J. ठीक है, तो हम एक बार फिर साउंड्स के साथ में एक बार बोलते जाती हूँ, आपको मेरे बाद रिपीट करना है. ए, ब, क, ड, फ, ग, ह, इ, ज, क, ल, म, न, ओ, प, क्व, र, स, ट, अ, व, व, य, एंड ज. तो वी हैव लर्न ऑल द साउंड्स ऑफ ऑल द लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू फॉर्म ब्लेंडिंग साउंड यूजिंग वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स टुगेदर. क्योंकि जब भी हम कोई वर्ड बनाते हैं तो ये जो कॉन्सोनेंट्स हैं ये इन वाउल्स के साथ मिलके अपना साउंड बनाते हैं. ठीक है, तो अगले वीडियो में हम ये सीखेंगे कि किस तरह कॉन्सोनेंट्स वाउल्स के साथ मिलके अपना साउंड फॉर्म करते हैं. थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, जैसे अगर बी के बाद अ, अ अकेला भी एक वर्ड है. जब हम अ को बोलेंगे आपको साइट वर्ड्स याद होगा, यू माइट हैव रिमेंबर्ड साइट वर्ड. साइट वर्ड्स एक्चुअली ये फोनेटिक्स बोलते हैं इससे, जिन पे हम प्रोनाउंसिएशन को सीखते हैं. लेकिन ये जो फोनेटिक्स है ये रूल फॉलो नहीं करता है साइट वर्ड्स, उनको आपको देख के ही याद करना है. लेकिन बाकी जो वर्ड्स हैं आप उनको फोनिक्स रूल से या फोनेटिक रूल से आप वर्ड्स को अच्छी तरह पढ़ना आपको आ जाएगा. तो जैसे ए का साउंड अकेला अ होता है, लेकिन ए अगर बी के साथ मिले, ठीक है, या बी के बाद अगर हम ए को लिखें तो उसका साउंड हो जाता है बै. ठीक है, इट्स नॉट बे, इट्स बै. बी ए बै, इट्स नॉट बा. ठीक है, इट्स बै. उसी तरह बी अगर ई के साथ मिले तो वो वर्ड बन जाता है बे. बी ए बै, बी ई बे. उसी तरह दूसरा वॉवल है ओ, बी ओ बो या बी ओ बॉ. एंड बी आई बी, बी आई बी. एंड बी यू बा, बी यू बा. तो अभी मैंने थोड़ा सा एग्जाम्पल बताया आपको. आई एक्सप्लेन्ड यू इन माय नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द ब्लेंडिंग वर्ड्स और ब्लेंडिंग साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट्स एंड वाउल्स टुगेदर.